हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में रख सकती हैं या चाहे आप इसे सफ़र में भी ले जा सकती हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे कच्चे आम ले लिए हैं। इन्हें हम अच्छे से धो करके साफ़ करके इसका छिलका उतार लेंगे। और देखिए, उसके बाद हमने इस तरीके से आम के बड़े बड़े पीस कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा छोटे पीस आपको नहीं करने हैं। और हमने यहाँ पे आम की गुठली भी ले ली है। बच्चों को चूसने में सब्ज़ी में बहुत अच्छी लगती है। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो रख भी सकते हैं या आप इसे निकाल लें। अब गैस पे हम यहाँ पे एक कढ़ाई रख लेते हैं और कढ़ाई में हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच तेल। तो हम यहाँ पे सरसों का तेल डाल रहे हैं, आप जो इस्तेमाल करते हैं वो डाल लें। सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी बनेगी। 1/2 छोटी चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे मेथी दाना। 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे सौंफ डालेंगे बड़ी चम्मच से। सौंफ का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। सौंफ आप ज़रूर डालें। उसके बाद हम यहाँ पे ये कटे हुए आम डाल लेते हैं और 1-2 मिनट तक हम इसे तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उससे ये होगा कि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे मसाले डाल लेते हैं। तो 1/2 छोटी चम्मच हम यहाँ पे डाल लेंगे हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच हम यहाँ पे देगी मिर्च डालेंगे, इससे कलर अच्छा आता है। और 1/2 चम्मच हम यहाँ पे डाल लेंगे नमक, आप नमक स्वाद अनुसार डालें। आधा चम्मच हमने यहाँ पे डाल लिया धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर। उसके बाद अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को आप यहाँ पे लो ही रखें ताकि मसाले हमारे जले ना। तो मसालों के साथ 1-2 मिनट तक अच्छे से हम पका लेंगे इसे। अब हम यहाँ पे डाल लेते हैं 1/2 बोल हमने यहाँ पे गुड़ डाला है। गुड़ के हमने छोटे छोटे पीस कर लिए थे। उसके बाद और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गुड़ के साथ भी हम इसे 1-2 मिनट तक पकाएंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और आम के अंदर तक गुड़ चला जाएगा। तो ढक के हम इसे थोड़ा पका लेंगे कम से कम 1-2 मिनट तक। तो देखिए, गुड़ ने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम यहाँ पे पानी डाल लेते हैं। तो 1 गिलास हमने यहाँ पे पानी डाल लिया, छोटे गिलास से। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और पानी डालने के बाद हम इसे ढक के पकाएंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। अगर लो फ्लेम में आप इसे पकाएं तो बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। तो बस हमारी आम की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार होगी। देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। 15 से 20 दिन तक हम इसे फ्रीज में रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप चाहे तो उनके टिफ़िन में भी दे सकती हैं या आप इसे सफ़र में भी ले जाए, पूरी के साथ खाए, पराठे के साथ या चपाती के साथ, आप किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और देखिए कितना आसान भी है ये सब्ज़ी बनाना। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं मिलूँगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।